हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10 गृह विज्ञान के पार्ट 1 के नोट्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस प्रकार से हम कक्षा 10 गृह विज्ञान के सभी पाठों के इंपोर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले हैं। देखिएगा साथियों, इन सभी पाठों के इंपोर्टेंट नोट्स हमने हमारे कोचिंग के विद्यार्थियों को लिखा दिए। यदि आप इन नोट्स को पढ़कर बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे तो डेफिनेटली आप बोर्ड के एग्जाम में बेहतरीन नंबर प्राप्त करने वाले हो, क्योंकि साथियों पिछले साल हमारे कोचिंग के नोट्स में से ही आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। यदि आप इन नोट्स को पढ़ लेते हो ना, इसके सिवाय आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथियों आपकी किताब में बहुत सारा कचरा दे रखा होता है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको प्रत्येक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वही इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने होते हैं। तो चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे हम पार्ट 1 के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस पार्ट के प्रश्नों को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से देख सकते हो। तो चलेगा, सबसे पहले मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मोबाइल के लॉक को खोल देता हूँ। अब देखिएगा साथियों, आपके मोबाइल की भी इसी प्रकार की स्क्रीन होगी। इसमें आपको सबसे पहले कहाँ पे जाना है, गूगल में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM, यानी आपको लिखना है मोस्ट एग्जाम। और उसके बाद में आपके नीचे यहाँ पे जो सर्च का बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्ट एग्जाम लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, और उसके बाद में लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10 एंड कक्षा 12 नोट्स है, और उसके आगे क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी देखें। तो यहाँ पे आपको कक्षा 10 के नोट्स मिल जाएंगे, कक्षा 12 के नोट्स मिल जाएंगे, टाइम टेबल है, एडमिट कार्ड है, सब कुछ यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी यहाँ पे हमें कक्षा 10 गृह विज्ञान के नोट्स देखने हैं। तो यहाँ पे हम कक्षा 10 के नोट्स के सामने क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके कक्षा 10 हिंदी के नोट्स दिए गए। उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो गृह विज्ञान के आपको नोट्स दिए गए। तो इसके सामने आपको यहाँ पे क्लिक के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, गृह विज्ञान के पार्ट 1 के नोट्स, पार्ट 2 के नोट्स, पार्ट 3 के नोट्स, इस प्रकार से आपको सभी पार्टों के यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको पहले पार्ट के नोट्स यहाँ पे निकाल के बता दे रहा हूँ। तो इसके सामने आपको क्लिक के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पे आपके पहले पार्ट के नोट्स खुल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके भी नोट्स पढ़ सकते हो। यदि आप डाउनलोड करके नहीं पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको अभी पहले पार्ट के सभी इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ाने वाला हूँ। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा साथियों, गृह विज्ञान के पार्ट 1 का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गृह विज्ञान से क्या तात्पर्य है। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि गृह विज्ञान से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, गृह विज्ञान से तात्पर्य है कि हमारे संसाधनों को प्रभावपूर्ण रूप से प्रयोग करने की कला, स्वस्थ व सुखद और सफल व्यवसाय को प्राप्त करने का विज्ञान है। यानी गृह विज्ञान का मतलब है हमारे जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का प्रभावपूर्ण रूप से आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। चाहे कला के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या फिर सफल व्यवसाय के रूप में हो, इसमें आपके गृह विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गृह विज्ञान में कौन से क्षेत्र की विषय वस्तु को शामिल किया जाता है। यानी गृह विज्ञान में कौन से क्षेत्रों की विषय वस्तु को शामिल किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, गृह विज्ञान में विज्ञान व कला के क्षेत्रों की विषय वस्तु को शामिल किया जाता है। यानी गृह विज्ञान में जो आपके विज्ञान और कला के क्षेत्र हैं उन दोनों की विषय वस्तु को शामिल किया जाता है। उसके बाद में अगला हमारा तीसरा प्रश्न है। देखिएगा साथियों, पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करिएगा। और साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो देखिएगा, हमारा तीसरा प्रश्न है, ग्रह विज्ञान के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। यानी ग्रह विज्ञान के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर है, ग्रह विज्ञान के 5 प्रमुख घटक है जो निम्नलिखित है। पहला आपके भोजन तथा पोषण, दूसरा है संसाधन प्रबंधन,
तीसरा है कपड़ा व वस्त्र विज्ञान, और चौथा है संप्रेषण, और पांचवा आपके मानव विकास एवं विस्तार है। यह प्रश्न पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जरूर पढ़िएगा। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्नों की तरफ। देखिएगा, अगला हमारा चौथा प्रश्न है, वेतन रोजगार का क्या अर्थ है, यानी जो वेतन रोजगार होता है उसका क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, वेतन रोजगार का अर्थ है आप किसी दूसरे के लिए कार्य करते हो और अपनी सेवाओं के बदले में वेतन या राशि प्राप्त करते हो, जैसे आपके स्कूल का अध्यापक। यानी आपके वेतन रोजगार का अर्थ है आप किसी दूसरे के लिए काम करते हो और उस काम के बदले में आप पैसे या फिर रुपए प्राप्त करते हो, तो वो आपके क्या होता है, वेतन रोजगार होता है। जैसे आपने देखा होगा या फिर हम भी जब स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो जो भी अध्यापक होता है ना, वो वेतन रोजगार होता है, क्योंकि वो पढ़ाने के बदले में क्या लेता है, वेतन लेता है। आई बात आपको समझ में। चलेगा, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, स्वरोजगार से क्या तात्पर्य है, यानी स्वरोजगार से क्या मतलब है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, स्वरोजगार से तात्पर्य है कि आप एक उद्योग के मालिक हो तथा उस उद्योग के संचालन तथा धन पोषण का कार्य स्वयं करते हो। यानी साथियों, स्वरोजगार का क्या होता है, स्वरोजगार का मतलब है आपका खुद का वो क्या होता है, धंधा होता है या फिर काम होता है या फिर उसके मालिक आप स्वयं होते हो, वो आपके क्या होता है, स्वरोजगार होता है। उसमें आप दूसरे मजदूरों को आपके वहां पे काम पे लगाते हो और उनको आप क्या करते हो, धन पोषण करते हो, यानी आप उनको आप स्वयं मजदूरी देते हो। जैसे आप सभी को पता है ट्यूशन है, ट्यूशन में क्या होता है, शिक्षक स्वयं ट्यूशन का मालिक होता है और उसके बाद में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उन विद्यार्थियों से क्या लेता है, पैसा लेता है। यानी जिस कार्य में जो मालिक होता है वो आपके स्वरोजगार के अंदर आता है। चलेगा, बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, ग्रह विज्ञान व्यवसाय क्यों है, यानी ग्रह विज्ञान है वो व्यवसाय क्यों है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, ग्रह विज्ञान व्यवसाय इसलिए है क्योंकि यह छात्रों के लिए कुशलताओं को विकसित करने तथा अवधारणाओं को समझने व उन्हें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में लागू करने की क्षमता प्रदान करता है। चलेगा, सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, ग्रह विज्ञान की प्रासंगिकता से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, ग्रह विज्ञान की प्रासंगिकता से तात्पर्य है कि ग्रह विज्ञान लड़कों व लड़कियों दोनों को अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए तैयार करता है। यानी ग्रह विज्ञान क्या है साथियों, इसमें लड़के व लड़कियों को समान रूप से वर्चस्व दिया गया है। यानी जैसे मैं बात करूं, ग्रह विज्ञान में क्या होता है, ऐसा नहीं कि घर का कार्य सिर्फ और सिर्फ स्त्री ही करे, पुरुष को भी घर के कार्य को करने के लिए तत्पर करता है। यानी दोनों के ही उत्तरदायित्व को निर्वहन करने के लिए ग्रह विज्ञान का विशेष महत्व है। आई बात आपको समझ में। तो आपके पहले पार्ट में इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे, इसके सिवाय और कचरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे ना, इसके सिवाय आपके बोर्ड के एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं है। और अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।